नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सिविल इंजीनियर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं हाईवे में एक नई चीज, और लगे रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। मैं आपको हर एक नए दिन पे एक नई नई टॉपिक लेके आऊंगा कि कौन सा चीज़ कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं और कैसे नहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले क्रश बैरियर के बारे में बताया था, आज मैं क्रश बैरियर को साइट पे कैसे इरेक्शन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये चीज़ें दिखाऊंगा। पहले तो हम जानते हैं कि हम क्रश बैरियर कहाँ पे इरेक्शन करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा आरी पैनल का हमारा टॉप लेवल कम्प्लीट हो चुका है। अब इस पर हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्टेप बना हुआ है और उधर भी हमारा स्टेप बना हुआ है। तो इन स्टेप को मैच करने के लिए हम बनाते हैं कॉपिंग बीम, और कॉपिंग बीम कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद क्रश बैरियर को कैसे साइट पे लाते हैं और क्रश बैरियर कहाँ बनता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा कॉपिंग बीम कैसा होता है। कॉपिंग बीम आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो हमारा पैनल का टॉप मैचिंग पैनल लग चुका है, जो स्टेप जहाँ पे हमारे बने थे उन स्टेप को मैच करने के लिए हम कॉपिंग बीम बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉपिंग बीम का थिकनेस जो है ये लगभग 200 है, और इसकी हाइट जो है, हाइट हम मेंशन नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि कहीं 50 mm आती है, कहीं 100 mm आती है, कहीं 200 mm आती है। तो ये क्या है, एक स्लोप जब हमारा स्टेप होता है स्टेप के अकॉर्डिंग, और स्लोप को एक मेंटेन करते हुए हम आते हैं, तो वो हमारा स्लोप बनता है। अब देख रहे हैं आप, पूरा यहाँ तक से वहाँ तक पूरा कॉपिंग बीम बन चुका है, इसके ऊपर हमारा क्रश बैरियर हम इरेक्शन करेंगे। तो इसके अंदर जो कॉपिंग बीम बनता है, इसके अंदर हमारा 10 mm का या 12 mm का हमारा लगता है बार। इसमें हम एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, दो रेनफोर्समेंट हमारा 200 है, तो 50 mm आउटसाइड से, 50 mm इन साइड से छोड़ के हम यहाँ पे स्टील लगाते हैं। स्टील लगाने के बाद हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं 100 mm या 200 mm के डिस्टेंस से, फिर उसके बाद हम उसमें शटरिंग लगा के फिर हम कास्टिंग करते हैं। अब हम दिखाते हैं कि क्रश बैरियर को लोडिंग साइड पे कैसे लाते हैं, और फिर लोडिंग कैसे करते हैं और अनलोडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे क्रश बैरियर को लोडिंग कैसे करते हैं, अनलोडिंग कैसे करते हैं, हमारा क्रश बैरियर कहाँ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रा लगा है, और हाइड्रा जो है अनलोडिंग किस तरीके से करने वाला है, तो ये अपना प्रीकास्ट क्रश बैरियर है, जो एक कास्टिंग यार्ड होता है, यहाँ पे कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के बाद जो है फिर हम यहाँ पे लोडिंग करके लेके आते हैं। ये हमारा टेलर है, टेलर पे हमारा क्रश बैरियर लोडिंग हुआ है। अब ये अनलोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग करने का मैं तरीका बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइड्रा है, हाइड्रा में इन्होंने ये 12 mm का अपना हुक दे रखा है, और उसमें ये अपना 20 mm का एस बनाया है, और अच्छे तरीके से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने एस को बना के और अपना एक इसमें चैन लगा रखा है, उस चैन में इसको फंसाया है, सीलिंग में फंसा के उसके बाद ये धीरे धीरे अपना उठा के नीचे करेंगे, और नीचे करने के बाद वो साइड पे लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा इरेक्शन हो रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अनलोडिंग करते हैं, कैसे उठा के ये नीचे लेके जा रहे हैं। देख रहे हैं ये अनलोडिंग कर रहे हैं, काफ़ी धीरे धीरे आराम से कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी वेट होता है, भारी होता है, इसलिए कि सब लोग सुरक्षित रहें, ऐसा ना हो कि कोई आदमी यहाँ पे घायल हो जाए। तो हमको पूरा सुरक्षा को बनाते हुए आराम से काम करना है, प्यार से, ये नहीं कि हम किसी को चोट लगा दे रहे हैं या किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने उठाया है, और उठाने के बाद अभी अब काफ़ी स्मूथली तरीके से प्यार से एकदम धीरे धीरे जाएंगे, भागा के नहीं लेके जाना है कि कहीं हमारा अनबैलेंस हो जाए, अनबैलेंस होने पर दुर्घटना घट सकती है, तो इसलिए दुर्घटना साइड पर हमको नहीं घटाना है। यहाँ पर सब लोग, जितने भी आदमी हैं, सबको अपना सुरक्षा रखते हुए अनलोडिंग करेंगे। तो लेके जा रहे हैं, अब हमारा स्टेप आएगा इरेक्शन करने का। इरेक्शन कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इरेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो मेरे प्यारे सिविल इंजीनियर दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया कि क्रैश बैरियर साइट पे हम इरेक्शन कैसे करते हैं, मैंने आपको सब कुछ दिखाया कि अनलोडिंग कैसे करते हैं। अब बताते हैं कि साइट पे हम इरेक्शन कैसे करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं हाईवे के टॉप लेवल पे खड़ा हूँ, और आप देख रहे हैं पूरा ये अभी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा प्रॉपरली अच्छे तरीके से यहाँ के जो साइट इंजीनियर हैं कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड वाला है, एक राइट साइड वाला है। तो जब हम इरेक्शन करते हैं, तो इरेक्शन करने का हमारा पहला प्रोसीजर ये है कि कैरेज वे का हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है, हम वो सेंटर पॉइंट आपको दिखाएंगे कि सेंटर पॉइंट लगता कैसे। तो पहले हम ये जान लेते हैं, हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारा जो सर्वेइंग के TS टोटल स्टेशन से सेंटर पॉइंट को लगाया जाता है। ये एक सर्वेइंग टीम है, वो उनका काम ही है केवल है कि हर जगह जाके पॉइंट देना। उनको आप खाली फ़ोन करोगे कि भैया आ जाओ, तो अपना एकदम मस्त आएंगे गाड़ी से, अपना टोटल स्टेशन निकाल लेंगे, बस एक पॉइंट दे के चले जाएंगे और बता के चले जाएंगे, भैया ये पॉइंट है, अब आपको जो करना है जैसे करना है, हम पॉइंट बता दिए, अपना लेंथ बता देंगे। लेंथ बताने के बाद वो 9-11 हो जाएंगे, फिर जो साइट इंजीनियर बेचारा है वो खड़ा होकर अपना प्रॉपर तरीके से लेंथ लेगा, विड्थ लेगा, फिर अपना काम करेगा। तो मैं आपको सेंटर पॉइंट दिखाता हूं जो हमारे TS सर्वेइंग टीम ने जो हमको दिया है। तो जैसा कि मैं अब आपको दिखाऊंगा कि हमारा सेंटर पॉइंट है कहां। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पे एक सरिया गड़ा हुआ है, यही है अपना है सेंटर पॉइंट।
इसी से हमको काम करना है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि कोई आया इसको गाड़ दिया है और फिर चला गया है, तो ये इसको गड़वाया गया है सर्वेइंग टीम के द्वारा। ये अपना कैरेज वे का सेंटर पॉइंट है, जो कि आप एक देसी भाषा में बोल सकते हैं कि हमारी दो वाल है, दो वाल एक लेफ्ट हो गई और एक राइट हो गई, उसके बीच का ये सेंटर पॉइंट है और ये सिर्फ सर्वेइंग टीम जो है टोटल स्टेशन से ला के देती है। अब हमने यहाँ के इंजीनियर से बात किया कि आपका सेंटर पॉइंट तो ये मिल गया आपने, फिर आपने यहाँ से लेंथ कितना लिया है, तो मैं लेंथ बताऊंगा। जब उन्होंने इरेक्शन करने से पहले जब लेंथ लिया है तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर पॉइंट से 6890 का डिस्टेंस लिया है, मतलब एक साइड में आप या तो लेफ्ट यहाँ ले लो या तो आप राइट वहाँ पे ले लो, तो ये लेफ्ट है और लेफ्ट इन्होंने लिया है कितना, इन्होंने लेफ्ट से लिया है 6890 मीटर का डिस्टेंस लिया है इस पॉइंट से। अब मैं बताऊँगा कहाँ तक का लिया है उन्होंने। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्रैश बैरियर है जो कि एक इरेक्शन हो चुका है, इसको हम बोलते हैं मास्टर इरेक्शन क्रैश बैरियर, कि इसको पहले फिक्स किया है इन्होंने, उस लेंथ को नापा है 6890 मीटर यहाँ पे, वहाँ से लेके यहाँ तक का नापा है। और जब इरेक्शन करते हैं तो डिस्टेंस एक प्रॉपरली दो आदमी रहते हैं वहाँ पे, एक पॉइंट पकड़ा रहता है, एक यहाँ पे पकड़ा होता है और नाप के 6890 पे फिक्स करता है, और दूसरा 8730, जो कि 8730 हमारा कहाँ पे आता है, हमारा ये फेस, ये जो फेस है हंच के जस्ट ऊपर वाला फेस जो है, इस पे इन्होंने नापा है। दो जगह इन्होंने मेजरमेंट करके अपना इसको फिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं मास्टर क्रैश बैरियर इरेक्शन। अब इस पॉइंट पे फिक्स करने के बाद अब मैं दिखाऊंगा आपको लाइन डोरी, आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन डोरी है, ये है लाइन डोरी। जब हमने 6890 पे फिक्स किया है तो हमारा ये मास्टर क्रैश बैरियर हो गया। अब यहाँ से हमने लाइन डोरी बांधना है, तो लाइन डोरी बांधने के लिए हमको दो पॉइंट हमेशा चाहिए, बिना दो पॉइंट के नहीं होता है। तो जो सेंटर पॉइंट इन्होंने सर्विंग टीम ने हमको दिया है, तो सेंटर पॉइंट देने के बाद सर्विंग टीम होती है वो 10-10 मीटर या 20-20 मीटर पर पॉइंट देते हैं, तो वैसे ही जो एक दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट आगे है, वहाँ से भी इन्होंने 6890 डिस्टेंस नापा है। नापने के बाद एक और मास्टर इरेक्शन क्रैश बैरियर को फिक्स किया है और एक पॉइंट इधर बांधा है और एक पॉइंट वहाँ पे बांधा है, जो लाइन डोरी बोलते हैं। अब ये लाइन डोरी मैंने आपको दिखा दिया कि लाइन डोरी हमारी यही है और दूसरा पॉइंट उधर दिया हुआ है। अब हम दिखाएंगे आपको इरेक्शन, इरेक्शन कैसे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इरेक्शन चल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे दो लोग पूरे अच्छे तरीके से हाइड्रा की मदद से, हाइड्रा वाले भैया जी जो है उनकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि कैसे वहाँ पे रखना है। तो आपको मैं दिखाऊंगा इरेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दो लोगों ने अच्छे तरीके से अपना जो यहाँ के मेन मिस्त्री जो है, जो फिटर जिनको बोला जाता है, वो अच्छे से आगे पीछे करके वो लाइन, इस लाइन लाइन डोरी को जो है मैच करते हुए देख रहे हैं, टच नहीं कर रहा है, और उसी के सहारे जो है पूरा अच्छे तरीके से जब रख लिया उन्होंने तो वो डायरेक्शन देते हैं। मेन जो इनका फिटर है उनका काम है डायरेक्शन देना कि कहाँ पे रखना है। हाइड्रा वाले भैया दूर बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं देगा, यहाँ के जो मेन मिस्त्री हैं वही बताएंगे आगे करना है या पीछे करना है, लेफ्ट करना है राइट करना है, आगे पीछे का डायरेक्शन वही होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने अब ये रख दिए हैं, अब रखने के बाद क्या करेंगे, ये जो अपना आइस क्लैंप है अब इसको फ्री करेंगे। ये भैया का डायरेक्शन है कि इसको आगे करना है या पीछे करना है, तो इन्होंने जैसा बताया कि आगे करना है। अभी देखिए उनके हाथ में जो मिस्त्री हैं उनके हाथ में सब्बल है, वो 25 mm का सब्बल होता है, 1 मीटर या 1.5 मीटर का होता है, नीचे लगाया है, आगे पीछे उन्होंने भी फिक्स किया है। और वो मेन काम क्या आता है फिक्स करने का, जो अपना हंच निकला होता है, जो हमारा हंच होता है, मैंने आपको दिखाया था कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, वो प्रॉपर तरीके से जॉइंट का काम करता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। कि ये देख रहे हैं आप, यह हंच है, एक मेल है एक फीमेल है, इसको ज्वाइंट बोलते हैं। ये ज्वाइंट पोर्शन को फिक्स करने के लिए, अपने पोजीशन पे लाने के लिए हाइड्रा से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं ये सब्बल का। ये सब्बल हमारा होता है 25 mm का, और एक तरफ से देखा है उन्होंने यू टाइप का घुमा के रखा है, और इसको जो है यहाँ पे ऐसे यूं लगाते हैं, और लगाने के बाद आगे पीछे ये भैया जी आगे पीछे करके अपने हंच को, एक ज्वाइंट को जो होता है, प्रॉपर तरीके से फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद इन्होंने देख रहे हैं आप, यहाँ पे इरेक्शन हो चुका है, अपने लाइन पॉइंट पे आ चुका है, अब वो फ्री कर रहे हैं आइस क्लैंप को, इन्होंने फ्री कर दिया है कि अब ये आप जा सकते हैं करके। तो अब हम देखते हैं वहाँ पे हमारा पॉइंट है, उस लाइन डोरी से हमारा कितना दूर पॉइंट है, ये मैं आपको चेक कराता हूँ एक बार। देख रहे हैं जैसा कि हमारा ये इरेक्शन हो चुका है, इरेक्शन होने के बाद ये क्या किया इन्होंने, एकदम लाइन डोरी पे फिक्स किया है। मैंने आपको बताया था कि हमको जब इरेक्शन करना है तो हमको दो पॉइंट लेना है, जो मास्टर क्रैश बैरियर होगा दो पॉइंट पे होगा, या 10 मीटर या 15 मीटर पे, सहूलियत के हिसाब से लेते हैं ये मिस्त्री भाई लोग अपना। ये 10 मीटर पे दो पॉइंट ले लिया, और लेने के बाद एक पॉइंट उधर लाइन डोरी को टाइट करेंगे, फिक्स करेंगे, एक दूसरे साइड में टाइट करेंगे, फिक्स करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इससे ना बाहर जाना है ना अंदर जाना है, इसी लाइन पे ये क्या करेंगे अपना, अपने क्रैश बैरियर को बैठा देंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा होल है। अब ये होल आप लोग ये सोचते होंगे
कि जो हमारा आरीवाल है, आरीवाल पे क्रैश बैरियर का लोड आता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आरीवाल पे क्रैश बैरियर का जीरो लोड आता है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं ये हाइट में भी है, कम से कम 100 mm हाइट पे है, और डिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 300 अपना डिस्टेंस है, और ये कॉपिंग बीम जो अपना 200 है, मतलब 50 mm इधर 50 mm इधर अपना गैपिंग आ रहा है, और इस पर कुछ भी लोड नहीं होता है, क्योंकि क्रैश बैरियर है वो अपना अलग वर्क करता है और आरी पैनल जो है अपना अलग वर्क करता है। तो मैं सभी इंजीनियर को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे कॉपिंग बीम आरी पैनल पे क्रैश बैरियर का लोड नहीं आता है। आप लोग इसका बेफिक्र रहिएगा कि हमारा जो क्रैश बैरियर है आरीवाल पे टिका हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये होल इसीलिए बनाया जाता है कि ये अपना फंक्शन जो है केवल ऊपर से आके रेस्ट करे, उस पर टच ना करे, इसलिए जो है हाइट भी दे रखा है बराबर प्रॉपर तरीके से, और विड्थ भी दे रखा है। तो लाइन डोरी का काम वही होता है कि दोनों को फिक्स किया और अच्छे से कास्टिंग करेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक होल भी है, 4 इंच का पाइप लगा रखा है। तो ये मैं पाइप भी आपको बता देता हूँ कि जब आप अंधेरे में निकलते हैं तो सड़कों पे क्या होता है, चांदनी रात में उजाला होता है, तो इसको क्या करते हैं, उस उजाला को मेंटेन करने के लिए यहाँ इस पाइप में हम डालते हैं केबल, और फिर आगे से इनका 10 मीटर या 5 मीटर पे हमारा एक फिक्स होता है, जो यहाँ पे भी एक पाइप लगा होता है कि केबल को ईजिली जो है पाइप के अंदर पूरा साइड पे रनिंग कर सके, और रनिंग करने के बाद आगे जहाँ जहाँ इनको पॉइंट दिया गया है एज पर ड्राइंग के हिसाब से कि हमको यहाँ पे लाइट को लगाना है, जो स्टील का हमारा खंबा होता है वो लगा के पाइप में डाल के आगे से निकाल के उसमें कनेक्शन करते हैं, जिससे हमारे सड़कों पे जाला होता है और हम रात को मस्त एकदम घूमते हैं। बस लगे रहिए दोस्तों हमारे साथ। मैंने आज आपको क्रैश बैरियर के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से और कोई अच्छी वीडियो लेके आएंगे कंस्ट्रक्शन का। तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और लगे रहिए सिविल गुरुजी के साथ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। धन्यवाद।